कोरोना संक्रमण को लेकर अचलपुर उपजिला अस्पताल में जारी लसीकरण मुहिम के सरकारी गाइडलाइन में सेंध लगाने का मामला सामने आया है। जब शहर के निजी अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स ने मुहिम का गैर वाजिब तरीके से फायदा अपने रिश्तेदारों सहित निकट संबंधियों को पहुंचाने का काम किया है। कोरोना संक्रमण लसीकरण की सरकारी गाइडलाइन के गैर इस्तेमाल पर जुड़वा शहर के लोगों में काफी अचरज देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के बाद ही आम जनता का नंबर लगने वाला है। इसलिए दोष मुक्त प्रक्रिया के तहत इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, ऐसा मानस जुड़वा शहर के कई बुद्धिजीवियों ने व्यक्त किया है। 16 जनवरी 2021 से देश भर में कोरोना संक्रमण के लसीकरण की शुरुआत हो चुकी है। इस लसीकरण मुहिम के अंतर्गत अचलपुर उपजिला अस्पताल में अभी तक कुल 892 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, मगर अचलपुर उपजिला अस्पताल में हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर सवालिया निशान लगा था। जब ये बात सामने आई कि शहर में कुछ निजी डॉक्टर अपने परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों को भी वैक्सीन सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे ही इस बात का पता उपजिला अस्पताल प्रशासन को लगा, तब प्रशासन द्वारा लसीकरण वाले व्यक्ति की सख्त जांच पड़ताल कर ही वैक्सीन मुहिम आगे बढ़ाई जा रही है। ऐसी जानकारी उपजिला अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सोनिया तिवारी ने विदर्भ न्यूज को दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 892 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। आगे की प्रक्रिया सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक ही शुरू रहेगी। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का अनुचित लाभ उठाना अवश्य ही निंदनीय है। यहाँ पर 16 जनवरी 2021 से कोरोना वैक्सीनेशन की एक मुहिम स्टार्ट हुई है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि आज के बाद से होने वाले जो भी वैक्सीनेशन है, वो वैक्सीनेशन सबसे पहले हमको प्राइवेट और गवर्नमेंट के आरोग्य कर्मचारियों को देने हैं। तो इस चीज़ के लिए वैक्सीनेशन टीम मेंबर्स के लिए कुछ लोगों को हमारे यहाँ नियुक्त किया गया है उपजिला रुग्णालय अचलपुर में। हमारे यहाँ पर के जो प्राइवेट अस्पताल के कुछ डॉक्टरों की बात ऐसे सुनने में आई है कि उन्होंने आरोग्य कर्मचारी के नाम पर अपने किसी रिश्तेदार की, किसी भी मित्रों की, सहयोगियों की कुछ माहिती जो है वो गलत माहिती सप्लाई करके उनको वैक्सीनेट करवा लिया है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को जो फॉलोवर्स होता है गाइडलाइन का, उस फॉलोवर्स को उन्होंने उस फॉलोवर्स से जाते ना हुए उन्होंने एक अलग तरह से इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिसयूज करने का प्रयास किया है, जो कि एक जेन्यून और इंडियन सिटीजन होते हुए उन्होंने नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज नहीं कल ये वैक्सीन भले ही सबको मिलने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट का भी कोई प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। तो ये बहुत ही गलत और एक निंदनीय बात है अपने आप में ही। एंड ये बात जैसे निदर्शन में आ रही है, वैसे हमने हमारे लेवल तक जो भी सख्ती है वो सारी अप्लाई कर दी है। अभी इसके बाद उपजिला रुग्णालय में होने वाले सारे वैक्सीनेशन, चाहे वो आरोग्य कर्मचारी है चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर है, उन सारे आरोग्य कर्मचारियों का या फ्रंटलाइन वर्कर का उनका खुद का आइडेंटिटी कार्ड, उनकी इंस्टीट्यूट का या उनका एक अंडरटेकिंग हो और उनका खुद का आधार या पैन कार्ड, इन सबको मद्देनजर रखते हुए ही हम उनको वैक्सीनेट करेंगे। क्योंकि अपने हेल्थ केयर वर्कर स्टाफ बता करके अपने घर वालों को या सहयोगियों को वैक्सीनेट कराना ये सबसे गलत बात है। पंकज साबो के साथ जयकुमार घिया, विदर्भ न्यूज अचलपुर।